अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको जिस बिज़नेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस पर मैंने एक छोटी सी वीडियो पहले भी बनाई थी, लेकिन ये बिज़नेस काफ़ी पुराना है। और आज मैं इस फील्ड के माशाल्लाह एक बहुत ही अहम शख्सियत के पास बैठा हूँ, जो इस बिज़नेस को तकरीबन 28 साल से कर रहे हैं, और माशाल्लाह इनको एक किस्म की अथॉरिटी समझ लें आप इस बिज़नेस में। और स्पेशली पिछले दिनों मैंने ये देखा कि बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, ऐसे में जबकि COVID-19 चल रहा है और लोग बाहर जाके अपना काम नहीं कर सकते, इस बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बर्ड्स के बिज़नेस की। लोगों ने अपने घर में जो है वो बिज़नेस की परिंदों की एवरेज लगाना शुरू की है और इससे वो ब्रीडिंग ले रहे हैं। और इस बिज़नेस के बारे में शकील भाई से मैं जानना चाहूँगा कि ये बिज़नेस कैसा है। और सेकंडली शकील भाई, आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो आपने टाइम दिया शकील भाई, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आप अरसा 28 साल से इस बिज़नेस को कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे नए जो व्यूवर्स हैं उनके ये जानना चाहेंगे कि क्या ये बिज़नेस कैसा है और कौन कौन ये बिज़नेस कर सकता है और ये बिज़नेस कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है। अच्छा, पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। और इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो घर बैठे कोई भी काम करे तो इतने इत्मीनान और ईमानदारी और दयानतदारी से करे कि अगर कल को उसके पास कोई भी शख्स आता है तो वो उसके लिए इस अंदाज़ में बात करे कि लगे कि यार हम एक घर बैठे बिज़नेस कर रहे हैं, जिससे हम में भी फ़ायदा हो रहा है, जो लोग हमसे वाबस्ता हैं उन्हें भी फ़ायदा हो रहा है। तो कोई भी बिज़नेस अगर आप घर बैठे हैं ऑनलाइन, एक वक्त था कि पूरी दुनिया ऑनलाइन चल रही थी, लोग ऑनलाइन काम करते थे, कोई भी चीज़ें उसकी ऑनलाइन डिलीवरी होती थी। आप आज हर चीज़ ऑनलाइन चल रही है, आप क्रॉकरी देख लें, अपना ये मेडिसिन देख लें, गारमेंट्स को देखें, एनिमल्स को देखें, बर्ड्स को देखें, उनके एक सिस्टम बन गया ऑनलाइन। वो आ गए, उन्होंने ऑर्डर किया, चीज़ की पिक्चर दी, उनके पास बंदे आए, उन्होंने उसको उनको राइडर को दिया, उन्होंने उनके घर पहुँचाया, वहाँ से अमाउंट आया, उनको दिल इत्मीनान में हुआ, चीज़ उनके घर तक पहुँच गई। अच्छा, अब सूरत हाल लग गई दो जो बड़ी डिफरेंट है। अगर आप किसी को कपड़े देते हैं और वो कपड़े ले जाता है और रिटर्न हो सकते हैं, मगर बर्ड में सबसे बड़ी अहम तरीन बात है जो आज मैं आपके चैनल के तवस्सुस से लोगों को बताऊं कि बर्ड का रिटर्न जो है ना वो नामुमकिन होता है। उसकी वजह है कि मैंने अपने घर से ज़िंदा सलामत चाको चौबंद दिया, आप ले गए रास्ते में और वो रास्ते में मर गया, उड़ गया, उसका जवाबदेह वो शख्स होगा जो डिलीवरी दे रहा है। अगर वो कंपनी का है तो कंपनी बर्ड्स के हवाले से इसका कोई नेमो बदल यूँ नहीं है कि बर्ड्स जो है ना वो इंश्योर्ड नहीं होता है। अगर आप 10,000 का तोता लेके जा रहे हो और वो मर जाता है तो कंपनी उसका क्लेम नहीं देगी। बर्ड के लिए आपको खुद ही जहमत करनी पड़ेगी, अपनी 4-व्हील 2-व्हील गाड़ी में तशरीफ लाएँ, जो बर्ड्स की दुकानें हैं, जो बर्ड्स कलेक्शन हो रहे हैं, जो सेटिंग बन रही है, वहाँ पर आएँ, या रीज़नेबल लोग जो आपको मिल जाते हैं, अगर वो घर पर आपको डिलीवरी देना दे सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, वो आपके घर डिलीवरी देंगे। उनकी ज़िम्मेदारी पे, आप कभी भी बर्ड की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ना लें, क्योंकि वो बर्ड की क्या, एक नॉर्मल एक मुर्गी अगर आती है उसकी कीमत 1,000 रुपये, और कोई डिलीवरी देने आता है और रास्ते में मर जाती है तो डिलीवरी देने वाले की कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो आप उसकी डिलीवरी के लिए आप खुद तशरीफ़ लाएँ। और रही बात बर्ड कलेक्शन के हवाले से, ये एक ऐसा बिज़नेस है कि इंशाल्लाह ताला इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, नुकसान बहुत कम है। नुकसान 3 सूरतों में, या तो आपका परिंदा मर जाए तो नुकसान है, या आपके साथ चीटिंग हो जाए तो नुकसान है, या फिर आपका परिंदा चोरी हो जाए तो नुकसान है, वरना इसमें अदरवाइज़ नुकसान नहीं है। उस सूरत में नुकसान नहीं कि दो परिंदे होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, 2 से 4 बन जाते हैं और 2-4 महीने ऐसे गुजरते हैं जैसे पता भी नहीं चला। अभी हम 3-4 महीने लॉकडाउन फेस कर चुके हैं और ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। तो मैं आपके चैनल से ये तवस्सुस के ज़रिए लोगों तक ये रहनुमाई और आगाही पेश करना चाहता हूँ कि भाई आप कोई भी शौक करें, कोई भी बिज़नेस करें, अपने मामलात को मद्देनज़र रखते हुए करें। जितना आपका बजट है कोशिश करें उसी बजट से थोड़ा सा अपने बैग के लिए महफूज करके। बात पूछना चाह रहा था कि एक जो नया बंदा इस बिज़नेस में आना चाह रहा है वो कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट हो तो इस बिज़नेस में आ सकता है। अच्छा, पहले तो मैं ये कहूँगा कि उसको डिपेंड करता है कि वो कौन से बर्ड का शौकीन है। अब एक बंदा है जो हाई एक्सपेंसिव बर्ड का शौकीन है, अब हाई एक्सपेंसिव बर्ड जो है वो सस्ते नहीं है। अब वो ग्रे पैरेट का जोड़ा लेता है वो तकरीबन 2 लाख रुपए का, काकाटू लेता है वो 3-3.5 लाख रुपए का, मकाओ लेता है वो 4 से 5 लाख रुपए का। तो भाई 5 लाख का है वो तो स्टार्ट ही 5 लाख से हो रहा है। अगर छोटे बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए, अगर छोटे पैमाने पर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो वो लोटिनो, फिशर, लबर्ड, फिंच, जावा, थोड़ा सा आगे बढ़े ग्रीन पैरेट, उससे थोड़ा आगे बढ़े तो कैन्योर, पाइनएप्पल, मून पैरेट वगैरह, इनको आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ाएँ।
वो जब हमसे मिलेगा हम उसे बेहतरीन राय देंगे। बाज़ाहिर तो हमें नहीं मालूम उसके पास क्या बजट है, मगर जब हमसे मिलने के बाद उसको हम एक नया अंदाज़ देंगे कि भाई बर्ड का अगर आपने करना है तो आप अपने बजट के मुताबिक चलें। जिस चीज़ का आपको शौक़ है वो तो ठीक है, मगर आपने बिज़नेस करना है तो कम से कम इसके लिए आपको 2 साल पूरे चाहिए, 24 महीने चाहिए, जिसमें आपका बर्ड पैदा हो के और एक नया बॉर्न बेबी पैदा कर लेगा और वो फिर आगे बढ़ेगा। अब 1 साल अगर आपके पास ब्रीड आई है 4 महीने बाद 3 बच्चे, और अगर आप वो तीनों फोर सेल कर देते हैं और अगले 4 महीने बाद 2 बच्चे आते हैं उनमें से एक एक्सपायर हो जाता है, तो आपके पास तो एक ही दाना बचा। तो समझाने का मकसद ये कि शुरू के पहला क्लच आप रोक लें, बतौर आपके बर्ड में अगर कोई एक आध दाना एक्सपायर होता है या उड़ जाता है या किसी बीमारी में आ जाता है तो आपके पास घर में वो बर्ड मौजूद होना चाहिए। जो इसमें समझाऊंगा, अगर एक बंदा इसको इन्वेस्ट करता है, फॉर एग्जांपल अगर वो 1 लाख से इसकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है और अगर वो थोड़ी सी होल्डिंग पावर रखता है, वो अपने शुरू के 3-4 क्लच नहीं बेचता, तो ये बर्ड कई गुना मल्टीप्लाई हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं जी, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं कई गुना मल्टीप्लाई। उसकी असल वजह ये है कि बर्ड को अगर सही दाना, सही पानी और सही केयर मिले, ये दिनों में बढ़ते हैं, लम्हों में बढ़ते हैं। ये इनकी इतनी फास्ट ब्रीड आती है कि लोग पहले तो ख़रीदते हैं, फिर बेचते हैं, फिर तोहफे में देना शुरू कर देते हैं, क्या ये मेरे घर के बेबी हैं। मैं अगर वो करना चाहता है 30-40 हज़ार 50 हज़ार की इन्वेस्टमेंट रखना चाहता है तो छोटे बर्ड से शुरू करता है, तो छोटे बर्ड से शुरू करके वो थोड़े अरसे बाद जब उसके बर्ड एक सेटिंग में आ जाते हैं, ब्रीडिंग पे आ जाते हैं, तो क्या अर्न कर सकते हैं, इससे कुछ आइडिया दें इसमें। अच्छा, पहले तो ये है कि छोटे बर्ड पे जो लोग काम करना चाहते हैं, वो मेरे बहुत सारे फ्रेंचाइज बनी हुई हैं, जिन लड़कों ने अपने इलाकों में छोटी मोटी शॉप खोली हुई है और वहाँ पर वो छोटे बर्ड को सेल परचेस कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश होगी वो उन लड़कों से, उन शॉपकीपरों से रابطہ करके छोटे बर्ड की पूरी कलेक्शन ले लें, क्योंकि छोटे पैमाने पे जो लोग काम कर रहे हैं वो उन लोगों के कंट्रोल में नहीं, काबू में आ जाएंगे। यार हम लुटिनो, फिशर, लबर्ड, फिंच, जावा, एल्बिनो, पारब्लू वगैरह, उसकी वजह ये कि इसके नए नए शौकीन हैं और वो स्लो पे काम करना चाह रहे हैं। 10,000 की इन्वेस्टमेंट से, 20,000 की इन्वेस्टमेंट से, 30,000 की इन्वेस्टमेंट से, इवन 50,000 इनफ। उसमें क्या होगा, 50,000 के इन्वेस्टमेंट पे वो उस बंदे से रابطہ करेंगे, यार हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट है, हमें एक पिंजरा भी चाहिए, 8-10 रंग के उसमें बर्ड चाहिए, फिर हमें उसका दाना, पानी, सब्ज़ी, फल, फ्रूट, तमाम चीज़ें बता दें ताकि हम अपने बर्ड को वहाँ पे 100% में से 100% सिक्योर पाएँ और उसकी ब्रीड भी बहुत अच्छी आए, और जब तक हम उसको लेके चलें तो इंशाल्लाह ताला आने वाला टाइम हमारे बर्ड के लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह ताला जवाद बर्ड, मेरे बहुत अच्छे शागिर्द भी है और मेरे भाई का बेटा है, भतीजा है मेरा, तो इनके ये छोटे बर्ड के बारे में जितना ये आपको ब्रीफ कर सकते हैं ना, तो मेरे ख्याल से इस वक्त सामने कोई और चेहरा मौजूद नहीं है। तो जवाद बर्ड क्या कहते हैं आप? अच्छा जवाद भाई, 2 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा, छोटे बर्ड का आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, एक तो एक एवरेज बता देंगे अगर वो बंदा 50,000 से शुरू करता है, और छोटा बर्ड कौन सा प्रीफर करेंगे? जैसे अगर मुझसे आजकल को पूछे तो मैं तो डव कहूँगा, थोड़ा सा मुझे भी एक्सपीरियंस है, आप ये बता देंगे कौन सा बर्ड प्रीफर करेंगे और एक आइडिया क्या देंगे अगर वो 50-70 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करता है तो वो क्या अर्न कर सकता है इससे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि डव का जो आपने कहा वो भी बहुत ज़बरदस्त है, और दूसरी बात ये कि उसका ख़र्चा भी बहुत कम है, बचा-खुचा खा दी। हाँ, और ज़्यादातर मैं रेफ़र करूँगा अंडर साइज बर्जीज, एग्जीबिशन और बड़े बर्जीज जो होते हैं, इनके भी ब्रीडिंग पर्पज़ बहुत अच्छा है, और लाजमी नहीं है 50,000, अगर कोई बंदा चाहे तो वो 10,000 से भी शुरू कर सकता है छोटे पैमाने पे, जैसे डब डाल दी, बर्जीज डाल दी, फिंचेस डाल दी, छोटे पैमाने से स्टार्ट करके बंदा स्लो स्लो ऊपर जाता है, इसमें ग्रोथ बड़ी फास्ट है। हाँ, इन आइटम से शुरू करके 50,000 पे बहुत जल्दी पहुंच सकता है, बहुत जल्दी लाख तक भी पहुंच सकता है, अगर थोड़ा सा वेट भी करना पड़ता है। देखें पास टाइम ये होता है, बंदा परिंदा शॉप से उठाता है और कहता है फौरी फौरी ब्रीड, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, टाइम लगता है, एक प्रोसेस होता है, क्योंकि परिंदा नई जगह पर जाता है वो थोड़ा सा डरा हुआ होता है, डिस्टर्ब होता है, जब तक वो जगह के ऊपर कम्प्लीटली सेटिस्फाई नहीं होता ब्रीड नहीं देगा। अच्छा जवाब भाई, एक आइडिया दें कि अगर 50,000 की इन्वेस्टमेंट है और परिंदे सेट हो जाते हैं तो क्या अर्न कर सकता है बंदा पर मंथ? सर 50,000 रुपये पे 1-1.5 लाख रुपए कमाना कोई बड़ा वो नहीं है, लेकिन पर मंथ जो है ना ब्रीडिंग के ऊपर है आपकी, तकरीबन आराम से 20-30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं ईजीली। सूरत हाल ये है कि जवाद बर्ड ने अभी बहुत सारी बातें बताई हैं छोटे बर्ड के हवाले से, मेरी गुजारिश ये है अगर आप 1 लाख रुपए के परिंदे डालते हैं, उसमें लुटिनो, फिशर, लबर्ड, फिंच, जावा, डायमंड डव और
छोटे और बर्ड है जैसे फिशर है और अपना पारब्लू वगैरह के एक आध जोड़ा आ जाता है, उसकी वजह ये है कि आपके पास कम से कम 2 महीने बाद रिजल्ट आता है। 2 महीने में अगर आप मेहनत करते हैं परिंदों पे, तो इतने पट्टे निकल आएंगे कि जिसमें आप अपने फार्म में भी कुछ रोक लें और कुछ जब फोर सेल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसमें आपको 10 से 12 और 15 हज़ार तक की इनकमिंग बन सकती है शुरू में। जैसे जैसे आपका फार्म बढ़ता जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब आप प्रॉफिट के चक्कर में फार्म ना बढ़ाएं और ये कह दें कि यार शकील भाई ने कहा था बहुत अच्छा बेनिफिट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, जवाद भाई ने कहा था बहुत अच्छा बेनिफिट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, हमें तो महीने पे 8,000 मिल रहे हैं, 6,000 मिल रहे हैं, 5,000 मिल रहे हैं। तो भाई जितने परिंदे डालोगे उतना ही रिजल्ट आएगा, उतनी ब्रीड उतना ही आपको फल मिलेगा। और कोशिश ये करेंगे जब घर पर ब्रीड आती है तो उनमें से कुछ फीमेल और मेल रोके जाते हैं, ताकि जो आपके पास मेल फीमेल है इसमें से कोई पुराना हो जाए, बीमार हो जाए या ख़राब हो जाए, तो उसकी जगह बतौर स्टपनी के तौर पर घर का परिंदा काम आए। आपका कामयाब फार्म जब बनेगा कि जब आप घर के बच्चे रोकेंगे, उनको रेडी करेंगे, उनको ब्रीड पे डालेंगे। ये थोड़ा लॉन्ग टाइम बिजनेस है, शुरू के 90 दिन आप बहुत मेहनत करेंगे, इसके बाद शॉर्ट होता चला जाएगा, फिर आपको ऐसा लगेगा हर रोज़ बच्चे आ रहे हैं और हर रोज़ बच्चे बड़े हो रहे हैं, मगर शुरू में जो आपने मेहनत कर ली इंशाल्लाह वो एंड में आपके बहुत काम आएगी। दो चीज़ें इसमें पूछना चाहूँगा, एक तो ये बताएं कि पार्ट टाइम हो सकता है या नहीं, ठीक है, सेकेंडली ये है कि टाइम कितना देना पड़ेगा, दूसरा ये कि अगर औरतें ख़वातीन करना चाहें, लेडीज़ करना चाहें, तो क्या वो उसको कर सकती हैं, ये बताइएगा। अच्छा, पहले तो ये कि ये बिज़नेस ही पार्ट टाइम था, आप सुबह उठे अपने फजर की नमाज़ पढ़ के, आप बजाए सोने के परिंदों में गए, सबको सफाई और दाना पानी किया, 7 बजे आप फारिग हो गए, 7 बजे के बाद आपके पास पूरा दिन पड़ा हुआ है, 7 बजे के बाद आपने आराम से उठे अपने और मामलात में निकल के, अपने कोई भी कोई स्कूल में टीचर है, कोई स्कूल में प्रोफेसर है, कोई मास्टर है, कोई ड्राइवर है, कोई राइडर है, इवन ये बिज़नेस ही पार्ट टाइम था बर्ड्स का, क्योंकि बर्ड्स को आपने दाना पानी दे के उसको 8 घंटे 6 घंटे छोड़ना है ताकि वो दाना पानी खा लें। अच्छा, कोई मेरे घर में कोई मेरी खातून या मेरी कोई भी घर में खातून खाना है, मेरे अपने घर के अलावा भी अगर मेरे इलाके में, मुल्क में, शहर में कोई भी ऐसी खवातीन है जो ये बर्ड का शौक़ करती हैं, तो उनके लिए ये पार्ट टाइम यूँ नहीं है कि वो घर में मौजूद हैं, उन्होंने घर में हांडी रोटी करी, हाउस वाइफ हैं तो उन्होंने घर में परिंदे बआसानी पाल सकती हैं, उनको इतना शौक़ होगा कि वो अपने घर के काम को भी देख लें और अपने बर्ड को भी देख लें। अच्छा, जेंट्स के लिए ये बिज़नेस यूँ फ़ायदेमंद हो गया कि वो 2-3 काम कर लेते हैं, सुबह उठे तोतों को दाना पानी के अपनी जॉब पे चले गए, शाम को आए किसी मार्केट में विज़िट कर लिया क्या रेट चल रहा है, इसमें क्या हुआ कि कुव्वत खरीद और कुव्वत फरोख वो उनके काबू में था, ये हुआ कि उन्होंने सस्ता ख़रीदा और महंगा बेचा, इसमें उनको बड़ा बेनिफिट हो गया। और जब बंदा फुल टाइम ये काम करता तो उसके लिए 1 अदद शॉप और 1 अदद फॉर्म लाजमी है, क्योंकि शॉप के बगैर फुल टाइम नहीं हो सकता और एक फॉर्म के बगैर भी फुल टाइम नहीं हो सकता। असल वजह ये है कि अगर हम इस चीज़ को सोचते हैं कि यार फुल टाइम या हाफ टाइम, टाइम तो देना पड़ेगा, मगर ये बेसिकली बर्ड का जो बिज़नेस था वो पार्ट टाइम था मेरे भाई, आज के दौर में लोगों ने फुल टाइम बना लिया, वरना ये था ही पार्ट टाइम बिज़नेस। अगर हम फुल टाइम करेंगे तो हमारे पास जगह बड़ी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। अब एक काम आप फुल टाइम करेंगे तो आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क होना चाहिए, और पार्ट टाइम करेंगे तो आप घर की गैलरी में कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि YouTube जो है इस टाइम सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन चुकी है, अगर आप इस चीज़ में आना चाह रहे हैं तो बेशुमार वीडियोज़ इस पर YouTube पे मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं, इनके रेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस बिज़नेस के बारे में मज़ीद डिटेल आपको वहाँ से मिल सकती है। किसी भी बिज़नेस में अंदरून कूदने के बजाय आप अच्छी तरह उसकी फिजिबिलिटी बना के उसमें एंटर होइएगा, तो इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।